नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक फॉर फ्यूचर यूट्यूब चैनल और मैं हूं शुभम कपिश्वे। 5 अगस्त 2016 एक ऐसा डेट था जिसका इंडिया को डिजिटल बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि इस दिन रिलायंस ने लॉन्च किया था जियो सिम। जियो के बेहतरीन ऑफर्स ने सभी के मन को लुभाया अपने फ्री वॉइस कॉल्स, फ्री वीडियो कॉल्स एंड फ्री डेटा से। पर जियो 4G यूज़ करने के लिए ज़रूरत थी 4G फोन्स की, जिसका फ़ायदा उठाकर बहुत लोगों ने जियो सिम को 2G 3G फोन्स में यूज़ करने के लिए ट्रिक्स ढूंढे और शेयर किए यूट्यूब और अपने वेबसाइट्स में। इनमें से कुछ ट्रिक्स काम के भी थे, पर फिर भी जियो सर्विसेज को कम्प्लीटली यूज़ करने के लिए 4G फोन की रिक्वायरमेंट खत्म नहीं हुई। पर अब ऐसा लगता है रिलायंस ने जियो सर्विसेज को 2G एंड 3G फोन्स के लिए भी एक्सटेंड करने का सोच लिया है। अकॉर्डिंग टू अ लेटेस्ट अपडेट, अब आप जियो सर्विसेज को 2G और 3G फोन्स में भी यूज़ कर सकेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी जियो 4G पोर्टेबल वॉइस डिवाइस की, जो कि बाकी पोर्टेबल हॉटस्पॉट की तरह ना सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, बल्कि आप इस डिवाइस को यूज़ करके फ्री HD कॉलिंग भी कर पाएंगे। इस डिवाइस के साथ आपको मिलेगा जियो सिम, जिसके एक्टिवेट होने पर आप मल्टीपल डिवाइसेस को इस डिवाइस से कनेक्ट कर पाएंगे। वॉइस कॉल्स करने के लिए आपको अपने 2G एंड 3G फोन्स में डाउनलोड करना होगा जियो 4G वॉइस ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको जियो 4G वॉइस को डिफ़ॉल्ट कॉलिंग ऑप्शन सेट करना होगा, जिसे आप HD कॉलिंग को यूज़ कर पाएंगे। पर अभी तक रिलायंस जियो ने की तरफ से इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, पर अगर रूमर्स की माने तो एंड ऑफ दिस मंथ, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इसे लॉन्च किया जा सकता है। तब तक के लिए हमें वेट करना होगा किसी ऑफिशियल अपडेट के लिए और अपने 2G 3G फोन्स में जियो सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिले। और अगर आपको टेक्नोलॉजी एक्सप्लेनेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।